तो लक्षू को गिर जाएगा। लक्षू उधर, लक्षू 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 को बिस्किट मिल गया है। कौन सा बिस्किट मिला है? हैप्पी हैप्पी बिस्किट मिल गया है। अब टकलू को उसके नजर में पड़ गया है कि मेरे को भी मिलना चाहिए। थोड़ा मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा दिखाओ, तुम्हारे जेब में भी है क्या? तुम्हारे जेब में भी है क्या? हाँ। अच्छा एक टकलू को दे दो तो? नहीं देगा। अच्छा मेरे को दे दो एक बेटा। लक्ष्य दो निकाल दो। लक्ष्य तुम गाड़ी चलाएगा? देखिए सभी गाड़ी यहाँ पर पड़ी हुई है, इधर जितने भी सब गाड़ी यहाँ पड़ी हुई है, क्योंकि ये बारिश का मौसम है और ये जितने भी है सब धान की खेती हुई है। जितने भी आपको दिख रहा है इधर से दूर दूर तक आप देख रहे हैं, जहाँ भी आप देख रहे होंगे यहाँ से धान की खेती खेती दिख रही है। तो गाँव का यही मज़ा है कि अगर आप अगर गाँव की हो तब तो जानते हो, गाँव के नहीं हो आप अगर टाउन से हो तो आपको ये मज़ा ज़रूर लेना चाहिए। गाँव की सड़कों का और गाँव की खेतों का जो मज़ा है वो मज़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या खा रहा है तुम? ब्रश किया है? कब किया ब्रश? हाँ अच्छा भोजपुरी बोल रहा है। कब कहले बारो? कब कहले बारो हो? कब कहले बारो ब्रश? कखनी हम पैखाना में कहीं नहीं है। जखनी देखा तारा मतलब यहाँ बेइज्जती करता पैखाना में गोइल बनी जखनी लक्ष्यो एक दे दो बेटा मेरे को भी। पापा को दे दो। एक मेरे को दे दो, एक मेरे को दे दो। अल्ले अल्ले देगा बेटा मेला। लक्ष्यु देगा देगा ना लक्ष्यु? निकल ही नहीं रहा है। चलो ठीक है निकाल लो फिर देगा वो। सबको आज सड़क का मजा ले रहा हूँ, इधर बाहर दम मतलब रोड पे लाके सबको आज घुमा रहा हूँ, क्योंकि देख लीजिए मेरे पैर में पैर दिखाता, पहले पैर देखिए कितनी कीचड़ से भरे हुए हैं, मतलब चप्पल भी नहीं पहना ऐसे घूम रहा हूँ। हाँ मतलब चप्पल पहनना और पैंट हाफ पैंट में घूम रहा हूँ, भाई क्या कर रहा है यहाँ पे। हाँ ऐसे मतलब कीचड़ है कि चलने में मज़ा भी आ रहा है। इधर चलेंगे तो हाँ, कहाँ जा रहा लक्ष्य? लक्ष्य कहाँ जा रहा है? चलो दौड़ो तो दौड़ो उधर दौड़ो। देखो लक्ष्य दौड़ रहा है अभी हमारा। चलो आ जाओ फास्ट आ जाओ 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 आ जल्दी आ जाओ दौड़ो। बाय लक्ष्य। बाय बाय कर दो। उधर ट्रैक्टर चल रहे हैं देख लीजिए, जूम करता हूँ आपको दिखाता हूँ खेती हो रही। देखो उधर में ट्रैक्टर एक दो, उधर देख लीजिए घर में, और इस घर में मैं जिस घर में आज आया हूँ ये विलेज में जिस घर में आया हूँ यहाँ पे मेरे ससुर जी का देहांत हो चुका है, तो आज उनका काम है, तो यहाँ पे जो भी आज कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए मैं आया था। और बाकी तो वीडियो जो पोस्ट करता हूँ मैं आपको पता है कि मैं ब्लॉग पोस्ट बाकी तो आपको पता है कि मैं ब्लॉग पोस्ट नहीं करता हूँ यहाँ पे, तो ब्लॉग पोस्ट तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। इसमें जब भी मैं पोस्ट करता हूँ तो आपको पता है टेक्निकल वीडियोज या तो रेलवे के ऊपर है एयरलाइंस के ऊपर है वो वीडियो करता हूँ पोस्ट, तो आपको बहुत से वीडियो मिले होंगे, बहुत से वीडियो मेरा हेल्पफुल आपको लगा होगा। ठीक है, तो ये ब्लॉग थोड़ा देख लीजिए, ब्लॉग गांव में आया था इसलिए ब्लॉग यहाँ पे शूट कर रहा था। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे देखिए जो 30 केजी आटा को एक बार उसमें गूथा जा रहा है। तो बता दूँ ये जो कार्यक्रम चल रहा है मैंने पहले ही बताया था आपको, इस वीडियो में बता दिया था, शुरू में बताया था कि मेरे ससुर जी का देहांत हो चुका था, तो उनकी आज जो 12वीं है, तो उनकी जो 12वीं होती है उस फंक्शन में मैं आया था। तो यहाँ पर मैं आया था तो उसी का एक ब्लॉग सोचा मैं बना के पोस्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। जो गाँव का ब्लॉग है मुझे बहुत बहुत ही खूबसूरत लगता है और मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो गांव का जो अगर नहीं है आप गांव से तो गांव का मज़ा ज़रूर लीजिएगा, ज़रूर आइएगा, आपका कहीं पर रिलेशन है तो ज़रूर जाइएगा। और देखिए यहां पे 30 केजी आटा को बार बार यहां पे गूथा जा रहा है और उधर बेलने वाले 3 लोग वहां पर लगे हैं और पूरी को वहां से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं और भी वीडियो बनाऊँगा इसके आगे का कि एक लास्ट में एक फंक्शन होता है उसका भी वीडियो मैं आपको दूँगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे पूरी गर्मा गर्म लाल लाल पूरियाँ यहाँ पे निकलेगी, तो चलिए दिखाता हूँ, ले चलता हूँ आपको यहाँ पे। तो देखिए
यहाँ पे पूरी अभी निकल रही है तो दिखाता हूँ आपको। और अभी शाम का भी कितना टाइम हो रहा होगा आपको बता दूँ, अभी शाम का बज रहा होगा 5 बज रहा होगा, 6 या 7 बजे से खाने के लिए स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं उसका भी वीडियो एक पोस्ट करके दूंगा। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग गांव से हो तो ज़रूर पता होगा कि ऐसा फंक्शन होता है। और यहाँ पे देखिए ये पूड़ियाँ निकल रही है। तो दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ब्लॉग्स भी और मैं लाते रहूँगा, ब्लॉग्स भी रहूँगा और रेलवे के ऊपर जो भी एयरलाइंस के ऊपर जो भी अपडेट रहेगा मैं तो वो ऑलरेडी यहाँ से देते ही रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।